और कैसे हो मेरे दोस्तों? आज हम आपको सिखाएंगे तंदूरी नान बनाना कैसे बनता है। ये देखिए दोस्तों, तंदूरी नान बनाने के लिए मम्मी आटा गूंद रही है। अब इसमें रिफाइंड डाला जा रहा है। अब इसमें मिर्च आधा चम्मच, एक चम्मच नमक, 1 से 1.5 चम्मच नमक, जीरा, राई और अजवाइन और कलौंजी डाली जा रही है। अब सब को इसमें मिक्स कर दिया जाएगा। लो जी, हम अपना नॉन के लिए आटा रेडी हो चुका है। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। दोस्तों, अब हम नॉन के लिए प्याज, धनिया, हरी मिर्च और अदरक को काट लेंगे बारीक बारीक। नॉन के लिए हमने प्याज को काट रखा है, अब इसको बारीक बारीक कटेंगे। अब हमने प्याज, धनिया, अदरक और लाल मिर्च को काट के रख लिया है। अब नान को तैयार करने के लिए तंदूर को उबालेंगे। इससे पहले हम इसमें प्याज, धनिया और अदरक और मिर्च में नमक मिर्च मिक्स करके रेडी कर लेंगे। अब इस सबको मिक्स कर देंगे। तंदूर डाल देना। हमारा मिक्सर अब रेडी हो चुका है। दोस्तों, तंदूरी नान बनाने के लिए हमें तंदूर को उबाल कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। और अब इधर तंदूरी नान बनाने के लिए आटे की लोइयां बनाई जा रही हैं। अब तंदूरी नान बनाने के लिए अब हमारे पे आटे की लोइयां तैयार हो चुकी हैं। और उधर हमारा तंदूर भी रेडी होने ही वाला है। फिर आपको नान बनाने का तरीका दिखाते हैं। अब तंदूरी नान बेल रहे हैं हाथों की मदद से।
अब हमारा तंदूर रेडी है नॉन लगने के लिए। अब हम नॉन तंदूर में लगाने जा रहे हैं और देखते रहिए किस तरीके से नॉन लगा रहे हैं। अब हमारे तंदूरी नान तैयार हो चुके हैं। अब इस पर हम घी लगा रहे हैं। अब हमारे तंदूरी नान खाने के लिए तैयार है। घर पर बनाएं और खाएं। इतने टेस्टी है, आपने कभी नहीं खाए होंगे। घर पर ही बनाकर देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गए। गोल्डन कलर आ चुका है। कितने क्रिस्पी और क्रंची बनी हैं। एक बार घर पर ज़रूर बना के देखिए। अगर आपको हमारे तंदूरी नान पसंद आए हों तो हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। घर पर ज़रूर बना कर देखें तंदूरी नान।